शासकीय कन्या हाई स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा आलोट नगर में स्वच्छता रैली निकाली गई और नगर की मुख्य चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता अभियान की समझाइश दी गई। वहीं रैली में कन्या स्कूल की छात्राओं द्वारा घोष बैंड लेकर आगे आगे वह चलती रहीं तो हाथ में तख्तियां भी थीं जिस पर लिखा हुआ था स्वच्छ आलोट सुंदर आलोट, स्वच्छता अपनाए बीमारियों को दूर भगाए, ऐसे कई स्लोगन थे। इस स्वच्छता रैली में नगर परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी, पार्षद नागेश, अशोक और शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। वहीं नगर परिषद द्वारा नगर में पॉलीथीन की थैली उपयोग ना करने की नसीहत सभी को दी गई। इस दौरान व्यापारियों से भी अनुरोध किया गया कि वह थैलियों का उपयोग ना करें। इस अवसर पर शासकीय कन्या स्कूल के फिरोज खान और घनश्याम आदि शिक्षक उपस्थित रहे। नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करने और कचरा कूड़ा नाली में ना फेंकने की बजाय डस्टबिन में डालने का उपयोग करें, ऐसी सभी को नसीहत दी गई। पसीना जो आप बहता हुआ देख रहे हैं, इसे सार्थक करना चाहते हैं तो आप सब लोगों से नगर परिषद परिवार की ओर से अनुरोध है कि ये बच्चे संदेश देने के लिए निकली है कि जो कचरा हम जगह जगह फेंक देते हैं और फिर दिन भर नगर परिषद को गाली बकते हैं, ये आपकी और हमारी सामूहिक जवाबदारी है कि आलोट नगर साफ स्वच्छ और सुंदर रहे। इसमें आप सबकी सहभागिता होगी तभी हम सफाई अच्छे से कर पाएंगे। ये बच्चियां संदेश देने के लिए निकली है कि सरकार ने 2 अक्टूबर से पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध किया है। आप सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें ताकि आपकी ये जो नालियां हैं ये जाम न हो, आपकी जो जिसे गौ माता आप मानते हैं वो ये पॉलीथीन खाने से नहीं मरे। और इस अभियान को सार्थक बनाते हुए जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, इन बच्चों पे इन बच्चों की मार्मिक अपील का असर देखते हुए हमारे प्रकाश जी गोयल यहाँ पर है, मैं सभी यहाँ उपस्थित जितने भाई खड़े हैं, दुकानों पे भी जितने खड़े हैं पीछे तक अनुरोध प्रिंटिंग से सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे प्रकाश जी गोयल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे इरफान भाई जिन्होंने फ्रूट बेचे हैं, अभी बाकी फ्रूट वाले बोल रहे हैं हम लोगों ने भी पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दिया है, हमारे इरफान भाई और सब भाइयों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये जो स्वच्छता अभियान है इसे सरकारी अभियान